मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी एट होम. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस समरी ऑफ चैप्टर 1 फ्रॉम आवर बुक हॉर्नबिल. द नेम ऑफ द चैप्टर इज द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी. पोर्ट्रेट मींस क्या? ए ड्राइंग, ए पेंटिंग. खुश रिटन बाय खुशवंत सिंह. ही वॉज बॉर्न ऑन 2 फरवरी 1915 इन हदली, पाकिस्तान. He died on 20 March 2014 in Delhi. He started writing when he was inspired by the partition of India and Pakistan. First, he wrote his novel, A Train to Pakistan. He was an Indian author, lawyer, diplomat, journalist, and politician. He won Padam Bhushan in 1974, Punjab Ratan Award in 2006, and Padam Vibhushan 2007, and many more awards. Students, let's take an introduction of the characters of this story. There are two main characters. Number one, Khushwant Singh himself, as this story is narrated in first person. He is the narrator. He cherished the memories of his association with his grandmother. Number two, the grandmother, she is described as a very old lady. She is affectionate, caring, responsible, good storyteller, religious, serene and restrained. Let's take an introduction of the chapter. This story is a pen portrait of Khushwant Singh's grandmother by him. In this story, he describes the intimate relationship with his grandmother. He tells three phases of his life when he was living with his grandmother. In the first phase of his life, he describes his very childhood when he spent time with his grandmother, and in the second phase, he describes a turning point in their friendship when he shifted with his grandmother to city with his parents. And in third phase, their friendship got broken because now he was given a separate room at the same house, and now he was not spending much time with his grandmother. And grandmother also make busy herself in spinning. Students, let's discuss the summary of this chapter. बिल्कुल starting में narrator है वो हमें बताते हैं कि उसकी जो grandmother है वो भी उतनी old थी जैसे किसी की होती है. Means जैसे सबकी grandmother old होती है उसी तरह से उसकी grandmother भी old थी. परंतु वो कहता है कि पिछले 20 सालों से मैं ग्रैंडमदर को ऐसे ही देख रहा था और उसे इस बात पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल था कि कभी वह भी युवा रही होगी. ऐसा कहा जाता था कि वह कभी यंग थी, सुंदर थी और उसके भी पति थे. अब लेखक ग्रैंडफादर का डिस्क्रिप्शन देता है कि ग्रैंडफादर की एक पिक्चर है जो कि लगी हुई है मेंटल पीस के ऊपर ड्रॉइंग रूम में. फायर प्लेस के ऊपर मेंटल पीस बना हुआ है, उसके ऊपर पिक्चर ड्राइंग रूम में लगी हुई है और पिक्चर में ग्रैंडफादर 100 इयर्स के दिख रहे हैं और ऐसे नहीं लगता है कि उनके बेटे बेटियां रही होंगे. सीधा ऐसे लगता है जैसे उनके बहुत सारे पोते पोतियां ग्रैंड चिल्ड्रन रहे होंगे. यहाँ पर ग्रैंडफादर के बारे में बताया है कि उन्होंने एक बड़ी सी टर्बन पहनी हुई थी, उनकी दाढ़ी ने उनके जो चेस्ट है उसके अधिकतर भाग को कवर किया हुआ है और उनके कपड़े ढीले ढाले थे जिससे वो इतने बुजुर्ग लग रहे थे जैसे उनके बेटे बेटियां नहीं पोते पोतियां ही थे. फिर से नरेटर ग्रैंडमदर को वर्णन करता है कि ग्रैंडमदर किस तरह की दिखती थी. उनकी ग्रैंडमदर की हाइट कम थी, हाइट में छोटी थी, शरीर से मोटी थी और दूसरा थोड़ी झुककर के चलती थी. अब लेखक कहता है कि ऐसा विश्वास करना कि ग्रैंडमदर कभी सुंदर थी बहुत ही मुश्किल था उसके लिए. वह विश्वास नहीं कर पाता था जब बताया जाता था कि कभी वह भी सुंदर थी, अट्रैक्टिव थी. परंतु लेखक कहता है कि वो अब भी मेरे लिए ब्यूटीफुल थी. ब्यूटीफुल मीन्स
कि वह अपने विचारों से, अपने स्वभाव से बहुत अच्छी थी और दिखने में अट्रैक्टिव नहीं थी। अब लेखक डिस्क्राइब करता है कि ग्रैंडमदर हमेशा हमें कहानियां सुनाती थी अपने बचपन के बारे में, और वो फेरी टेल हमें लगती थी कि जैसे वो सभी बनाई हुई कहानियां हैं। वो उनके खेलों के बारे में बताती थी जो वो बचपन में खेलती थी। तो लेखक कहता है हमें ऐसे लगता था जैसे वो कोई बनावटी कहानियां हैं, इस तरह का कुछ भी नहीं था। अब बताता है लेखक की ग्रैंडमदर घर में घूमती रहती थी अपनी सफेद साड़ी में, सफेद कपड़ों में, जिसके ऊपर कोई भी दाग नहीं होते थे, बिल्कुल साफ सुथरे होते थे, और उनके जो बाल थे वो भी सफेद थे, वो उलझे पुलझे उनके पीले चेहरे के ऊपर आए रहते थे, और उनके चेहरे पर बहुत सारी रिंकल्स थी, झुर्रियां थी, जो कि एक दूसरे को काट रही थी, क्रिस क्रॉस बना रही थी, इधर उधर से झुर्रियां एक दूसरे को काटती थी, इतनी अधिक रिंकल्स उनके फेस पर नजर आती थी। ग्रैंडमदर अपनी कमर पर एक हाथ ऐसे रख लेती थी जैसे वह अपने जो झुकी हुई कमर है उसको सहारा देना चाहती हो, और दूसरे हाथ में वो रोजरी रखती थी। रोजरी मींस क्या है? मनकों की माला, जिसको फेरती रहती थी, अपनी प्रेयर करती रहती थी, धीरे धीरे होठों को हिलाती रहती थी। इस तरह वह घर में लंगड़ाती भी घूमती हुई रहती थी। और यहाँ पर लेखक बताता है कि जिस तरह से सर्दकालीन जो पर्वत हैं वो व्हाइट हो जाते हैं स्नो से, वो दिखते हैं और शांत होते हैं, उसी तरह ग्रैंडमदर उनकी तरह नजर आती थी। अब लेखक अपनी मित्रता का वर्णन करता है कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे पेरेंट्स हैं उस सिटी में चले गए वहां पर रहने के लिए, सेटल होने के लिए, और मुझे छोड़ दिया गया था ग्रैंडमदर के पास में। अब ग्रैंडमदर एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, वह मेरी हर चीज का ख्याल रखती थी, बहुत अधिक केयर करती थी। मैं सुबह मुझे जगाती थी, मुझे नहलाती थी, मुझे तैयार करती थी स्कूल जाने के लिए, और इस दौरान ग्रैंडमदर जो प्रेयर थी प्रतिदिन की उसको थोड़ी ऊंची आवाज में गाती थी ताकि मैं प्रतिदिन उसको सुन करके सीख जाऊं। परंतु मैं उसको सुनता जरूर था क्योंकि मुझे वो प्रेयर अच्छी लगती थी, ग्रैंडमदर की आवाज अच्छी लगती थी, परंतु मैंने कभी उसको याद नहीं किया। अब ग्रैंडमदर उसको रेडी करती है स्कूल के लिए, और रेडी करने के बाद उसे दे देती है जो वुडन बोर्ड है, तख्ती है, वो जो ग्रैंडमदर पहले से ही क्लीन करके येलो मिट्टी उसके ऊपर लगा करके रखती थी। इसके साथ साथ में वह एक रीड से, सरकंडे से बनी हुई कलम और एक मिट्टी की दवात लेखक को पोटली में बांध करके दे देती है। इसके बाद लेखक को एक पुरानी रोटी के ऊपर मक्खन और चीनी लगा करके वह नाश्ते के रूप में देती है, और नाश्ता करने के बाद लेखक बताता है कि हम दोनों निकल पड़ते थे स्कूल के लिए। स्कूल में ग्रैंडमदर है वो राइटर के साथ जाती है, और साथ में बहुत सारी जो पुरानी रोटियां हैं, बासी रोटियां हैं, स्टेज चपाती हैं, वो लेकर के जाती है ताकि जो गली में डॉग्स मिलेंगे उनको खिला दी जाएगी। अब जो स्कूल है वो अटैच्ड था, जो वहां पर गुरुद्वारा था, टेंपल था उसके, और दोनों साथ साथ जाते हैं, स्कूल पहुंचते हैं, और जो प्रीस्ट है टेंपल में वही उन्हें स्कूल में उच्चारण करवाता है, स्वरों का, व्यंजनों का पढ़ाता है, वर्णमाला सिखाता है, और सभी बच्चे बाहर बरामदे में बैठ करके लाइनों में कतार में बैठे होते हैं, और ऊंची ऊंची आवाज में वो उस वर्णमाला का अध्ययन करते हैं, उच्चारण करते हैं, जो कि पुजारी के द्वारा करवाया जाता है। इस दौरान ग्रैंडमदर है वो अंदर बैठती है और जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो धार्मिक पुस्तकें हैं, उनका अध्ययन करती है। और जब ये दोनों का काम कंप्लीट हो जाता है तो दोनों साथ साथ घर पर आते हैं। जैसे ही वो टेंपल से बाहर आते हैं वो देखते हैं कि डॉग्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं उन बासी रोटियों के लिए जो कि वो लेकर के जाते थे। अब वापसी में घर आते आते वो रोटियां उनको डालते हुए आते हैं डॉग्स को, और डॉग्स उनके पीछे पीछे गुर्रते हुए रोटियों के लिए झगड़ते हुए उनके घर तक पहुंच जाते हैं। ये तो उनकी लाइफ का फर्स्ट फेज होता है। अब जैसे ऑथर के पेरेंट्स हैं वो सेटल हो जाते हैं, अच्छे से बस जाते हैं शहर में, तो ग्रैंडमदर और राइटर दोनों को शहर में बुला लिया जाता है। अब लेखक यहाँ पर इंग्लिश स्कूल में जाना शुरू कर देता है, तो वह बस से स्कूल में जाता है, और ग्रैंडमदर अब उसको स्कूल छोड़ने उसके साथ नहीं जाती है। जो ऑथर के फादर हैं वही उसको बस स्टॉप पर छोड़ करके आते हैं। यहाँ से उनकी लाइफ बदलने लग जाती है, एक टर्निंग पॉइंट
आ जाता है। अब लेखक को कुछ टाइम तक ग्रैंडमदर है वो सुबह उठाती है, तैयार करती है और धीरे धीरे ये काम भी छोड़ दिया जाता है। और जब ऑथर पढ़ करके घर आता है तो ग्रैंडमदर पूछती है कि आज क्या सीखा, तो राइटर उन्हें बताता है कि उन्होंने आज इंग्लिश लर्निंग की, उन्होंने आर्किमिडीज का प्रिंसिपल सीखा, उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी सीखा। और इस तरह से जब लेखक बताता है तो ग्रैंडमदर थोड़ी उदास हो जाती है, सैड हो जाती है, उसे अच्छा नहीं लगता है। वो सोचती है कि ये इंग्लिश स्कूल है, ये बच्चों को जो स्क्रिप्चर्स हैं, धार्मिक शिक्षा है, संस्कार है, वो नहीं सिखा रहे हैं। और इस तरह से वह उदास हो जाती है। और क्योंकि वह इंग्लिश से स्कूल में होने की वजह से ग्रैंडमदर है वो हेल्प नहीं कर पाती है राइटर की होमवर्क करने में, इसलिए वो थोड़ी उदास हो जाती है, उसे अच्छा नहीं लगता है। एक दिन लेखक जब स्कूल से वापिस आता है तो वह ग्रैंडमदर को बताता है कि आज उसने म्यूजिक सीखा स्कूल में। ग्रैंडमदर बहुत उदास हो जाती है क्योंकि वह सोचती है कि म्यूजिक है वो तो वेश्याओं और भिखारियों के लिए बना है, बच्चों को म्यूजिक सिखाना उनके संस्कारों को बर्बाद करना है, ऐसी ग्रैंडमदर की थिंकिंग है। इसलिए ग्रैंडमदर यहाँ से लेखक से कम बातें करना स्टार्ट कर देती है। और अब लेखक है वो यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है, बड़ा हो जाता है, यूनिवर्सिटी में उसकी पढ़ाई स्टार्ट होती है, यहाँ से उनकी जो फ्रेंडशिप है वो लगभग टूट जाती है। लेखक को घर में अब अलग कमरा दे दिया जाता है और ग्रैंडमदर है वो चुपचाप इस फ्रेंडशिप के टूटने को स्वीकार कर लेती है, कुछ भी नहीं कहती है और अपने आप को व्यस्त कर लेती है, बिजी कर लेती है कताई के काम में, स्पिनिंग के काम में। वह सूर्योदय के टाइम ही जगह पर बैठ जाती है, अपनी प्रेयर गाती रहती है और कताई का काम करती रहती है। अब ग्रैंडमदर ने अपनी एक हैबिट बना ली थी कि जो खाना वह गली में, गांव में गली में कुत्तों को खिलाती थी, डॉग्स को डालती थी, अब वह जो चिड़िया है उनको डालती है जो घर के आंगन में आ जाती है। अब वह पूरा दिन कताई करती है बट दोपहर में हाफ एन आवर के लिए खड़ी होती है और वो अपना एंजॉय का टाइम बिताती है जिसमें वह छोटे छोटे रोटी के टुकड़ों चिड़िया को डालती है। बहुत अधिक संख्या में चिड़िया वहां पर एकत्रित हो जाती है और चर्पिंग करती है और लेखक कहता है कि उनकी चर्पिंग से, उनकी आवाज से ऐसे लगता है जैसे कि कोई पागल खाने जैसा माहौल वहां पर हो जाता है। कुछ चिड़िया यहाँ तक कि ग्रैंडमदर के पैरों पर भी आ जाते हैं, कुछ कंधों पर, कुछ सर पर भी बैठ जाती हैं और वह काफी इंजॉय करती है, उनसे बातें करती है, अपनी प्रेयर करती है और उनको खाना खिलाती है। ये ग्रैंडमदर ने अपनी दिनचर्या बना ली है। अब लेखक की कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद आगे की स्टडी के लिए राइटर है वो अब्रॉड जाने का, विदेश जाने का फैसला करता है। और अब डायरेक्टर, लेखक, राइटर सोचता है कि जो ग्रैंडमदर है वह 5 साल के लिए बाहर जा रहा है और ग्रैंडमदर काफी बुजुर्ग हो चुकी हैं और शायद जब वह वापिस आएगा तो उसे ग्रैंडमदर नहीं मिलेगी और ग्रैंडमदर शायद उसके विदेश जाने का विरोध करे, परंतु ग्रैंडमदर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना ही वो भावुक हुई, किसी तरह की कोई इमोशनल उसने नहीं शो किया। वह लेखक को छोड़ने गई स्टेशन तक और जब स्टेशन पर वह ट्रेन में बैठने लगा तो ग्रैंडमदर ने उसके फोरहेड पर किस किया और ट्रेन में बैठने के बाद लेखक ने महसूस किया कि शायद यह ग्रैंडमदर की तरफ से आखिरी फिजिकल कॉन्टेक्ट उनके बीच में था। शायद जब वापस आएगा 5 साल बाद तो ग्रैंडमदर उसे नहीं मिलने वाली थी। और ऐसे सोचते हुए 5 साल गुजर जाते हैं। जब ऑथर वापिस आता है तो ग्रैंडमदर उसको स्टेशन पर लेने जाती है, वहां पर भी उसको ग्रैंडमदर मिलती है, खुश होती है और वह उसको कस करके हग करती है। अब लेखक जब ग्रैंडमदर की हग को फील करता है तो वह सुनता है कि ग्रैंडमदर अपनी धीमी धीमी आवाज में अपनी प्रेयर गा रही होती है। लेखक के घर आने के बाद उस टाइम ग्रैंडमदर ने अपनी जो प्रेयर थी वो नहीं की थी, आज उसने कुछ अलग किया था। उसने जो गली की स्ट्रीट में और लेडीज थी उनको एकत्रित किया था और जो एक पुराना ढोलक था, ड्रम था, उसको बजा रही थी और वो गीत गा रही थी जो कि योद्धाओं के घर वापसी पर गाए जाते हैं। अब ग्रैंडमदर वो गीत गा रही है, बहुत अधिक थका रही है अपने आप को, बड़ी मुश्किल से उसको मनाते हैं, रोकते हैं कि बीमार हो जाएगी, इस तरह से उसका जो ड्रम बीटिंग है वो बंद करवाई जाती है और गाना बंद करवाया जाता है। अब अगली सुबह ही ग्रैंडमदर को फीवर हो जाता है, डॉक्टर को बुलाया जाता है और ग्रैंडमदर
को देख करके डॉक्टर कहता है कोई ज्यादा वो नहीं है, थकान की वजह से बुखार आ गया है, ठीक हो जाएंगे। अब डॉक्टर चला जाता है, ग्रैंडमदर सभी को अपने पास बुलाती है और कहती है कि अब मेरा अंत समय नजदीक आ गया है, अब मैं मरने वाली हूँ और मरने से पहले मैंने कल की प्रेयर छोड़ दी थी, अब मुझे प्रेयर करनी है। अब सभी ग्रैंडमदर को रोकते हैं, मनाते हैं, परंतु ग्रैंडमदर किसी का विरोध नहीं सुनती है, वह अपनी रोजरी से अपनी प्रेयर करने लग जाती है। अब कुछ समय बाद ही ग्रैंडमदर है उनकी लिप्स हैं वो मोमेंट बंद हो जाती है, शांत हो जाते हैं और उसके बेजान हाथ से रोजरी माला गिर जाती है। अब क्योंकि कस्टम है, रीति रिवाज है कि डेड बॉडी को बिस्तर के ऊपर नहीं रखते हैं, इसलिए ग्रैंडमदर को बेड से उतार करके नीचे रूम में लिटा दिया जाता है और उनके ऊपर रेड कलर का जो कपड़ा है, कफन है, वो डाल दिया जाता है। अब थोड़ी देर फैमिली है वो विलाप करती है, उसके बाद जो अंतिम संस्कार है उसकी तैयारियां शुरू होती हैं और स्याही का समय हो जाता है। जब लेकर के आते हैं ग्रैंड मदर के लिए जो लकड़ी की बनी हुई डेड बॉडी को ले जाने का स्ट्रेचर है उसको लेकर के आया जाता है, अर्थी को लेकर के आया जाता है, तो वो पाते हैं कि वहां पर हजारों की संख्या में चिड़िया जहां पर ग्रैंड मदर को लेटाया गया था वहां पर बैठी हुई थी, बरामदे में बैठी हुई थी, परंतु आज वो चिड़िया आवाज नहीं कर रही थी, सभी शांत थी और लगभग उनको बरामदे में ही रुकना पड़ता है जो अर्थी लेकर के आए थे। और जब वो ग्रैंड मदर को उठा करके चलते हैं, लेखक की माँ उससे पहले छोटे छोटे रोटी के टुकड़े करके चिड़ियाओं को डालती है, परंतु एक भी चिड़िया खाना नहीं खाती है। और जैसे ही ग्रैंड मदर को लेकर के जाया जाता है अंतिम संस्कार के लिए, सारी चिड़िया वहां से उड़ जाती है। अगली सुबह जो लेखक की माँ ने रोटियां डाली थी वो सफाई करने वाले के द्वारा साफ की जाती है। स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने देखा कि ना केवल ह्यूमन बीइंग बट जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें भी भावनाएं होती हैं और चिड़िया हैं वो अपना जो सोरों है वो कैसे प्रकट करती हैं। इस स्टोरी के माध्यम से हमने जाना रिलेशनशिप बिटवीन ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। जो बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं वो इस रिलेशनशिप को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप दिस स्टोरी इज क्लियर टू यू। टेक केयर ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स। आई होप यू विल डू सो। थैंक यू।